इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। हुकूमत कब कौन सा अजीब व गरीब फैसला ले कह नहीं सकते, लिहाजा एक बार फिर रियासत कर्नाटक की जानिब से नया ऐलान किया गया है। जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है और उनके पास मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज पाया गया तो उस कार्ड को रद्द किया जाएगा। अब आवाम की जानिब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हुकूमत इन लोगों को गरीब की फहरिस्त में दाखिल करना चाहती है। अक्सर यह देखा जाता है कि गरीब मजदूर किसान भी कुछ पैसे जोड़कर जमा करके स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदता है। अक्सर और बेशतर तो बैंक से किस्तों पर दोपहिया खरीद कर किसी तरह बेहतर जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये क्या बात हुई कि वजीर रियासत उमेश कत्ती ने ऐलान कर दिया कि जिनके पास भी फ्रिज टीवी गाड़ी पाई जाएगी उनके राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। लिहाजा इस ऐलान के बाद आवाम में खासा गम गुस्सा देखा जा रहा है। ये भी देखा जाता है कि किसान दूध बेचने वाले गौड़ी दोपहिया यानी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते ही हैं। अगर कोई किसी को दूर फैक्ट्रियों में मजदूरी भी करता है तो स्कूटर के जरिए फैक्ट्री जाता है। इसका मतलब इन्हें अमीर समझकर इनके मुंह से निवाले छीन लिए जाएंगे। हुकूमत ने ऐलान करते हुए कहा कि जिनके पास बीपीएल कार्ड और दीगर चीजें पाई जाती है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पर क्या हुकूमत का फैसला सही है? वैसे भी लॉकडाउन कोरोना ने पहले ही गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है। ऊपर से राशन पर मिलने वाले चावल और दीगर अनाज को बंद किया जाएगा तो लाखों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बेहतर है हुकूमत जैसे तैसे गुजारा करने वाले गरीबों की तहकीक करने से उन लोगों की तहकीक करे जो करोड़ों का टैक्स चुरा कर महंगी कारों महल जैसे घरों में जिंदगी गुजारते रहते। गरीबों का हक मारने वालों को तो हुकूमतें भी पनाह देती रहती है पर गरीब सुबह से शाम तक की जिंदगी आजमाइश की तरह गुजारता रहता है। इन पर नए नए कानून लगाकर जिंदगी को और दुश्वार करने की कोशिश की जाती है। हमारे देश में हो या रियासत में अक्सर लोग दरमियान यानी कि मिडिल क्लास की जिंदगी जीते हैं और इसी मिडिल क्लास को इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, ब्याह निकाह और इसी दरमियान अगर कोई अस्पताल आता है, कोई बीमार पड़ता है तो जिंदगी का तवाजन ही बिगड़ता है। हुकूमत बजाय गरीबों की गिनती करने से गरीबी को हटाने का कोई मुनज्जम प्लान तो बनाए, हर कोई सुकून इत्मीनान से जिंदगी बसर कर सके। पर आजकल तो किसी न किसी समाज मजहबी सियासी मसले में इस तरह मुलविस किया जा रहा है कि नौबत यहां तक पहुंची हुई है कि सिर्फ दो वक्त के खाने के साथ इंसान जिंदा भी रहे तो उसे ही तरक्की समझ लिया जाए। ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश को इसी सिमत में ले जाया जा रहा है। अब जब किसी तरह मोटरसाइकिल बैंक से किस्तों पर गरीब मजदूर खरीद भी रहा है तो सरकार उसे चलाने भी नहीं दे रही, क्योंकि मोटरसाइकिल में जिस पेट्रोल को डालकर चलाया जाता है उसकी कीमतों को भी 100 रुपये पार ले जाने का फैसला इस हुकूमत ने किया हुआ है। पेट्रोल डीजल अकेलापन महसूस ना करे इसके लिए गैस को भी बढ़ाया दिया, यानी कि गैस को भी महंगा किया गया ताकि महंगाई का जिक्र निकले तो इस मशवरे में खवातीन भी शरीक रहे। कहने का मतलब क्या अब गरीबी रेखा के नीचे उसे ही लिया जाएगा जो भूख से मर रहा हुआ? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम शहर अतराफ में कुत्तों का कहर बढ़ता ही जा रहा। कई जगहों पर छोटे बच्चों पर कुत्तों के हमले की वारदातें सामने आई। उज्जवल नगर में इसी तरह की वारदात अमल में आई जिसमें एक बच्चे पर कुत्ते की जानिब से हमला किया गया जिसमें बच्चा शदीद जख्मी हुआ जिस पर इलाज किया जा रहा है। उज्जवल नगर के 4 साल मासूम बच्चा जिसका नाम अजान जावेद खाटिक पर सुबह 2-3 कुत्तों ने हमला किया जिसके बाद अजान को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। उज्जवल नगर, आजाद नगर, गांधीनगर, महंतेश नगर, असद खान सोसाइटी, वीरभद्र नगर में देर रात तक सड़कों पर कुत्तों का कब्जा रहता है। लिहाजा मोहल्ले वालों ने कारपोरेशन से मुतालबा करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों का जल्द इंतजाम करे। कुत्तों का डर आवाम में देखा जा रहा है। बरोज इतवार होटल नियाज में खली शेख खार किताब का रस्मी इजरा अमल में आया। किताब के रस्मी इजरा के बाद महफिल मुशायरा का भी अहतमाम किया गया जिसमें बेलगाम के मारूफ शोराकराम ने शिरकत फरमाई। खासकर शरीफ अहमद शरीफ, अमान निजामी, डॉक्टर यासीन राहित राजगर, अहमद बादशाह सागर, मुफ्ती नौशाद जाहिद ने अपने कलाम सुना। इसके अलावा जनाब आयन समद खानापुरी, जनाब फारूक खन्नान, जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी और दिगर अदबी मेहमानान ने भी शिरकत फरमाई। किताब को जनाब शमशुद्दीन गोरी खान ने लिखी है। लिहाजा जनाब इरशाद सौदागर ने किताब पर मुख्तसर तबसरा फरमाया। इसके बाद महफिल मुशायरा का अहतमाम किया गया। बेलगाम शहर और अतराब के गांव और नगरों को बस की मुकम्मल सहूलत न होने की वजह से आज कित्तूर चन्नम्मा सर्कल में स्कूली बच्चों ने रास्ता रोककर एहतजाज किया
और बसों की कमी और बसों में कैपेसिटी से भी ज्यादा पैसेंजरों को भरने को लेकर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। अक्सर बसों की कमी और बच्चों की कसीर तादाद की वजह से कुछ तलबा और तालिबात यानी कि कुछ बच्चे घर जल्दी नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से वालिदैन अक्सर परेशान हो जाते हैं। स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है और शहर के अतराफ के गांव से बच्चे शहर पढ़ने आते हैं। बसों में बढ़ती भीड़ की वजह से देर तक बच्चों को चन्नम्मा के नज़दीक बस स्टॉप पर रुकना पड़ता है, लिहाजा आज एहतजाज किया गया और बस महकमा के खिलाफ अपनी गुस्से का इजहार किया। देहात को जाने वाले बच्चों की परेशानी पर क्या रियासती बस महकमा तवज्जो देगा, क्या ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम लोकसभा चुनाव का ऐलान महज 2-3 दिन में होने वाला है, पर अब तक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार तय नहीं किया गया, लिहाजा पहले आप करते दोनों पार्टियां नजर आई। दो पार्टियां मतलब कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस की जानिब से कभी सतीश जारकीहोली तो कभी अनिल लाड़ का नाम लिया जा रहा, वहीं भाजपा की जानिब से नाम का ऐलान नहीं करना इस बात की दलील है कि कांग्रेस आखिर किसे उम्मीदवारी देने वाली है। भाजपा की जानिब से फहरिस्त तो तवील होती जा रही है, तो कांग्रेस सतीश जारकीहोली को तय करती दिखाई दे रही, पर अभी भी प्रकाश उकेरी के नाम का ऐलान हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है। जाहिर है दोनों पार्टियां बहुत ही सूझबूझ संजीदगी से कदम उठाते दिखाई दे रही। इससे पहले भाजपा की जीत यकीनी मानी जा रही थी और वैसे भी मोदी लहर भी कहा जा रहा था, पर महंगाई, किसान आंदोलन और दिगर मसाइल पर भाजपा की शिकस्त सियासी शिकस्त का जरिया न बन जाए, लिहाजा उम्मीदवारी सोच समझ कर देने का फैसला लिया जा रहा है। महज 3 दिन बाकी है, पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान न करना भी बहुत कुछ बयान करता दिखाई दे रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।